नमस्कार दोस्तों, प्रिंस होम डिजाइनर में एक और नए प्लान के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डेली प्लान अपलोड करते रहते हैं, तो आज हम एक और नए प्लान आपके लिए लेकर आए हैं जिसकी साइज़ है 22 फीट बाई 40 फीट। फ्रंट से आपको इसकी जो विड्थ तो मिलती है वो 22 फीट है और इसकी जो लेंथ लंबाई है दोस्तों वो 40 फीट है। यह आपका 880 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद कार पार्किंग के साथ हाउस का प्लान है। आज हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे कि हमने इतने कम स्पेस में किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है 3 बेडरूम और कार पार्किंग के साथ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, हम आपको इस प्लान के बारे में डिटेल में समझाएंगे और वीडियो के लास्ट में हम इसमें ये भी जानेंगे कि हमारे इसमें कितना कॉलम आएगा, कहां कहां पे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हम इस हाउस प्लान के बारे में। इसमें हमारी जो भी इनर वॉल है या यहां पर आपको जो भी आउटर वॉल देखने को मिलती है, इस प्लान में हमारी सारी 5 इंच की वॉल है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इसका जो टोटल एरिया है दोस्तों वो 880 स्क्वायर फीट है। और दोस्तों ये वाली जो आपकी दिख रही है ये आपकी बाउंड्री वॉल है, देख सकते हैं, जो 6 से 7 फीट की हाइट पर रहेगी, ये आपकी बाउंड्री वॉल है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, देख लेते हैं कि हमने इसकी किस तरह से डिजाइनिंग की है। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट से गेट मिलता है, यहाँ पर आपका 10 फीट का गेट है। इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने पोर्च एरिया वाली जगह पर, पोर्च एरिया। तो यहाँ पर आपका पोर्च एरिया विद कार पार्किंग भी है इसमें आपकी विद कार पार्किंग। तो इस पोर्च एरिया विद कार पार्किंग की जो आपको साइज मिलती है दोस्तों वो मिलती है 11 फीट दोस्तों सामने से मिलती है 11 फीट बाई 11 फीट, ये वाली पूरी साइज मिलती है। इसमें आपकी स्टेयर भी एक तरह से डिज़ाइन है, वो भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों 16 फीट आपकी ये वाली पूरी साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपका पोर्च एरिया है कार पार्किंग के लिए और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमारी स्टेयर है, यहाँ से हम अप होते हैं। इसी पोर्च एरिया में हमने स्टेयर डिज़ाइन की है एक तरफ, यहाँ से हम अप होते हैं। यहाँ पर हमको पहली लैंडिंग मिलती है 3 फीट बाई 3 फीट की, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ से हमको दूसरी लैंडिंग 3 फीट बाई 3 फीट की मिलती है। फिर यहाँ से हम अपने ऊपर टेरिस पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों आपकी इसी में स्टेयर भी हो गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं आपका लॉन एरिया मिलता है 4 फीट बाई 9 फीट 10 इंच में आपका लॉन एरिया मिल जाएगा गार्डनिंग के लिए, फ्लावर्स वगैरह की। तो और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस वाली डोर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक डोर मिलता है 3 फीट 6 इंच का, यहाँ पर आपको बेडरूम एक मिलता है बेडरूम। तो आप इसको एज अ गेस्ट रूम के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने डबल डोर दिया है, एक तो अपने अंदर से अपने सिटिंग हॉल एरिया वाली जगह से दिया है और एक पोर्च एरिया से दिया, देख सकते हैं एक अपने अंदर से दिया है। तो यहाँ पर आपका गेस्ट रूम हो जाएगा। तो इसकी साइज़ आपको जो मिलती है दोस्तों वो मिलती है 9 फीट 10 इंच आपको सामने से ये वाली पूरी साइज़ मिलती है दोस्तों, और 12 फीट ये वाली साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपका गेस्ट रूम है और इसमें हमने डबल विंडो बाहर की तरफ दी है ताकि इस गेस्ट रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस पोर्च एरिया से हमने यहाँ पर मेन एंट्री का डोर आपको मिलता है 3 फीट 6 इंच का, इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने सिटिंग एरिया वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका सिटिंग हॉल मिलता है या सिटिंग पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिटिंग हॉल। तो इसकी साइज़ आपको जो मिलती है दोस्तों वो 9 फीट ये वाली पूरी साइज मिलती है और 10 फीट आपको ये वाली साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपका सीटिंग हॉल है, उसके बाद इस देख सकते हैं इस सीटिंग हॉल से हमने एक गेस्ट रूम का डोर अंदर से भी दिया है, देख सकते हैं ये। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको डोर मिलता है 3 फीट का, इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपनी किचन वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका किचन मिलता है। तो दोस्तों इस किचन की आपको जो साइज मिलती है वो मिलती है 7 फीट बाई 12 फीट में, 7 फीट दोस्तों ये वाली आपको साइज मिलती है। काफ़ी बड़े स्पेस में हमने किचन दिया है 7 फीट और सॉरी 7 फीट बाई 10 फीट में हमने दिया है। और दोस्तों 10 फीट आपको ये वाली साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपका काफ़ी बड़ा किचन है और यहाँ पर हमने डबल विंडो दी है, ये आपकी एग्जॉस्ट फैन की विंडो हो जाएगी ये वाली जो स्टेयर के पास आएगी, और ये वाली आपकी एक बाहर की तरफ विंडो रहेगी ताकि किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इसी हॉल से ही हमने एक डोर दिया है, तो यहाँ पर हमने सेपरेट टॉयलेट बात रखा है। तो यहाँ पर आपको एक डोर मिलता है 2 फीट 6 इंच का, इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने टॉयलेट में। तो यहाँ पर आपको टॉयलेट मिलता है 4 फीट बाई 4 फीट का, 4 फीट ये वाली साइज़ है दोस्तों, और 4 फीट भी आपको ये वाली साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपका सेपरेट टॉयलेट है और यहाँ पर हमने एक बाहर की तरफ विंडो दी है वेंटिलेशन की ताकि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इसी सीटिंग हॉल में ही हम इस वाले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और डोर मिलता है 2 फीट 6 इंच का, इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने बाथरूम में। तो यहाँ पर आपको बाथ मिलता है काफ़ी बड़े साइज में, तो इसकी जो आपको साइज मिलती है वो 4 फीट ये वाली साइज मिलती है दोस्तों, और 5 फीट
5 फीट 6 इंच ये वाली साइज मिलती है। काफी बड़े स्पेस में हमने यहाँ पर बाथरूम रखा है, हमने यहाँ पर दोनों सेपरेट रखा है। आप चाहें तो इन दोनों को एक डोर देकर अटैच भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने सेपरेट रखा है और यहाँ पर हमने बाहर की तरफ एक विंडो दी है ताकि इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक और डोर मिलता है 3 फीट 6 इंच का, इससे होते हुए पहुँच जाते हैं आप अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस बेडरूम की जो साइज़ आपको मिलती है वो 11 फीट बाई 12 फीट में आपको काफ़ी बड़ा सा बेडरूम मिलता है। 11 फीट ये वाली साइज़ है और 12 फीट इसकी लेंथ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिलता है और इसमें भी हमने डबल विंडो बाहर की तरफ दी ताकि इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक और डोर मिलता है 3 फीट 6 इंच का। हम अपना जितना भी डोर देते हैं बेडरूम का वो 3 फीट 6 इंच का देते हैं ताकि हम कोई भी सामान आसानी से ले जा सकें। तो यहाँ पर आपको एक और बेडरूम देखने को मिलता है। तो इस बेडरूम की दोस्तों जो साइज है वो मिलती है आपको 9 फीट 10 इंच सामने से मिलती है और 12 फीट आपको दोस्तों ये वाली साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिलता है और इसमें भी हमने डबल विंडो बाहर की तरफ दी है ताकि इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा 880 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम और कार पार्किंग के साथ हाउस प्लान था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें कितना कॉलम आएगा, वो भी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, अभी हम बाद में काउंट करेंगे कि हमारा कितना कॉलम आएगा, कितना कॉलम हो रहा है। पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारा कितना कहाँ कहाँ पे कॉलम आने वाला है। इसके सामने यहाँ पर और इस दोस्तों इसमें हमारे जितना भी कॉलम रहेगा वो हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का सारा कॉलम इसमें है। कुछ इस तरह से हमारा दोस्तों यहाँ कॉलम आ रहा है, देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि काउंट कर लेते हैं कि हमारा कितना कॉलम हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट वाला भी अगर हम दो कॉलम को लेकर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों जो हमारा टोटल कॉलम हो रहा है वो 14 कॉलम हो रहा है, टोटल कॉलम 14। और ये हमारा 880 स्क्वायर फीट में हाउस का प्लान था। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आप भी अपना किसी भी तरह का अपने हमसे प्लान बनाना चाहते हैं, प्लान बनवाना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।